Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to RSE classes of English language. Today our topic is Spotting Errors 2023 UP Board Question Paper. तो यहाँ से आज हम उस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो हमारे सामने हैं. तो हम किसी भी एरर को जहाँ भी फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स भी बताते चलेंगे जिनको आपको हाथों हाथ लिख लेना है, और इन क्वेश्चंस का आपको रेपिटेशन इतना करना है कि ये आपको सीधे सीधे लर्न हो जाए. तो आइए शुरू करते हैं. हमारे पहले क्वेश्चन से मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी वर्ड प्रेफर आ जाए, प्रेफरेबल आ जाए, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, एल्डर आ जाए, तो आप दैन की जगह टू का यूज़ करते हैं. और ये क्वेश्चन इतनी बार हमारे सामने एग्जाम्स में आया है कि इसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है. ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे. ऑलवेज बियर इन माइंड व्हेन एवर यू हैव यस्टरडे यू डोंट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू यूज़ ऑलवेज सेकेंड फॉर्म. दैट्स व्हाई यू नीड नॉट राइट हैज़ हियर. आपको यहाँ पर हैज़ नहीं लिखना है. द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड. तो यहाँ पर यह समझना है कि लेस्ट आ गया. लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए. तो हम कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गिर जाएं, आप फेल हो जाएं या कोई अनहोनी हो जाए. तो यहाँ पर नहीं का यूज़ नहीं करते. जब भी लेस्ट आता है तो एरर आपको यहाँ भी दी जा सकती है कि आपको कैन दे दिया जाए, माइट दे दिया जाए, वुड दे दिया जाए या कोई और सी हेल्पिंग वर्ब दे दी जाए. तो यहाँ पर आपको शुड लगाना होता है, और फॉर्चुनेटली शुड हमें दिया है. हमें अगर एक वर्क नहीं करना तो वह वर्क यह है कि हमें यहाँ पर नॉट नहीं लगाना. अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि द बॉय टोल्ड. अब यहाँ पर हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे, और नए क्वेश्चन में हम देखेंगे कि होल इंडिया वॉज सफरिंग कोरोना. अब सफरिंग कोरोना या यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है सफरिंग विद कोरोना. तो ये आपको लर्न करना है, समझना है कि जब भी आपको वर्ड सफ़र आ जाए तो सफ़र के साथ आपको अगर कोई प्रेपोजिशन दे रखी है फ्रॉम से अलग तो आपको फ्रॉम लिखना है, और नहीं दे रखी तो आपको प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करना होता है किसी भी डिसीज़ के लिए जबकि आपको पर्टिकुलर वर्ड सफरिंग दे रखा हो. तो आपने सीखा कि सफरिंग फ्रॉम कोरोना, आपने सीखा सफरिंग विद कोरोना में विद रॉन्ग होगा, और अगर विद नहीं दिया तो भी आपको फ्रॉम लगाना है. इट मींस कि जो फ्रॉम है वो कोरोना के साथ सफरिंग के साथ आता है. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉजंट ग्रांटेड. तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है लीव के लिए, तो हम आमतौर से जब हिंदी या उर्दू में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी जो छुट्टी की एप्लीकेशन है वो मंजूर नहीं हुई. ठीक है, तो की के लिए हर जगह ऑफ लगाना ज़रूरी नहीं होता, हमको यहाँ पर फॉर लगाना होगा. अब यहाँ पर हिंदी के द्वारा ट्रांसलेशन करके इन प्रेपोजिशंस को नहीं समझा जाता, आपको सीधे लर्न करना होता है कि आपको यहाँ पर ऑफ की जगह पर फॉर का यूज़ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड. तो हमेशा याद रखिए कि न्यूज़ एक हो या अलग अलग जगह से अलग अलग विषयों पर हो, तो वो आपके अगर हमें प्लूरल बनाना ही ठहरा है तो हम कहते हैं द पीसीज ऑफ न्यूज़. अब यहाँ पर अगर अकेला वर्ड न्यूज़ यूज़ करना है तो यहाँ पर इस अकेले वर्ड के लिए आपको सिंगुलर मान करके यहाँ पर हैज़ यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो दीज है यह आपका दिस में चेंज होगा. तो ये जो आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये दीज का दिस होगा, और यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, चूँकि न्यूज़ सिंगुलर है इसलिए आपको हैज़ करना है. आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. अब हम देखते हैं 2003 के कुछ दूसरे PYQs को. बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल RSE क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को.
अब यहाँ पर हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, देर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस कॉलेज। अब एक फंक्शन आपको लर्न करना है कि लार्ज नंबर या नंबर अकेला या नंबर दा के साथ और नंबर आ के साथ, ये आपको तीन बातें याद रखनी हैं। अगर आपको नंबर के साथ दा दिया है, दा नंबर, ये आप याद रखें। एक है एक्सप्रेशन आ नंबर, तो आ वाला हमेशा आर या प्लूरल कहेंगे आप आएगा, और द नंबर के साथ आपका सिंगुलर या इज आता है। लेकिन अगर आपको लार्ज वर्ड दिया है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आर्टिकल ए का यूज़ करते हुए आपको नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए यहाँ पर आर लिखना होगा। लार्ज नंबर के बाद अगर आपका और होगा ही प्लूरल है, तो देयर के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वह अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, और देयर के बाद नाउन ही आते हैं, तो कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ डाउट की कि प्लूरल है, और प्लूरल की वजह से आपका यहाँ पर आ आएगा। ही इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पर टायर्ड के बाद हमेशा आपने ऑफ लगाना होता है, ये आप माइंड में सेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश इज जूनियर देन विवेक, रमेश विवेक से जूनियर है, तो से के लिए हम कॉम्पेरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि जूनियर के साथ हम बिल्कुल एक वर्ड बताया था प्रेफर, प्रेफरेबल की तरह से यहाँ पर हम टू लगाते हैं। शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जब भी शीप वर्ड आ जाए तो उसके साथ एस का यूज़ नहीं करते, और बिना एस यूज़ करे, शीप एक ऐसा एनिमल है कि वह बिना एस के सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, तो दोनों होता है तो कम से कम एस तो लगेगा नहीं, तो आपकी ये वर्ब जो है बिल्कुल सही काम करेगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को, माई हेयर इज़ ब्लैक। अब हेयर, हेयर्स, क्योंकि आम तौर से हमें एक आदत होती है कि अगर एस या ई एस लगा हुआ है तो प्लूरल होता है। अब हमें यहाँ हेयर नज़र आया, सामने इज नज़र आया, तो हम सोच में पड़ गए कि भाई एरर यहाँ पर कहाँ है, तो ऑफ कोर्स आपका एरर यहाँ पर है, क्योंकि जब आप जनरली अपने हेयर की बात करते हैं जो आपकी बॉडी पर हैं या जो आपके हेड पर हैं या बियर्ड में हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के जो सारे हेयर हैं, तो वह सिंगुलर में ही होता है, और उस पूरी क्वांटिटी को आप प्लूरल में दिखाते हैं जबकि यहाँ एस नहीं लगता। हेयर के साथ एक स्पेसिफिकेशन, एक विशिष्ट बात यह है कि अगर आप गिने चुने बालों की बात कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर हेयर में एस लगाते हैं, जैसे आपके सारे काले बाल हैं, कहीं कहीं पर कोई सफ़ेद बाल आ गया है या आ गए हैं, तो आप वहाँ पर एस लगाकर डिस्प्ले करते हैं, और इस डिस्प्ले को हम एस के साथ शो करते हैं और आर लगाते हैं, लेकिन जब हम सारे बालों की बात करते हैं तो बिना एस के हम आर के साथ अपनी बात को रखते हैं। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, तो आपको एक रूल लर्न करना है जो यहाँ आपको डिस्प्ले किया हुआ भी है। अगर कभी भी आपको द के साथ कोई एडजेक्टिव दे रखा हो तो वो आपका प्लूरल नाउन बन जाता है। वाइज द वाइज, वीक द वीक, पुअर द पुअर, यानी सारे गरीब, सारे समझदार, सारे कमज़ोर। तो जब यहाँ सारे गरीब हो गए तो यहाँ पर रिच मैन लगाने के बजाय आप क्या करेंगे, आप यहाँ दा लगाएंगे और इस आर को स्मॉल कर देंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो आई होप कि ये सारी एरर्स और ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस तरह की वीडियोस में बने रहने के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हैं, अनडाउटेडली आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को भेजते रहिए, हम उस पर आपको वीडियोस तैयार करके अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की सीरीज़ में और दूसरी वीडियोस के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।